हर हर गंगे, हर हर गंगे। पानी एकदम से ठंडा ठंडा कूल कूल हो चुका है। बाकी बस हमारा पोता साथ में है कि हमें आनंद आ रहा है। हमारा हर तरह से ध्यान रखें। हेलो गाइस, दिस इज योर डेविड सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ, नई लोकेशन के साथ। इस वक्त मैं हूँ हरिद्वार में और हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। और दादा दादी तो फाइनली निकल चुके हैं और ये देखो मेरे बेड की हालत। आधे घंटे में पता ही नहीं क्या ही हो जाता है रूम में आते ही हमको, और इधर उधर बस बैग फेंक के और निकलने के लिए करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं गंगा स्नान के लिए, लेट्स गो। चलिए गाइस, तो हम होटल से बाहर निकलते हैं। हमको यहाँ पे मिल जाती है ई रिक्शा और हरकी पौड़ी, जैसे कि मैंने बोला कि पास में ही है। ये दोनों दादा दादी बैठ गए हैं तो 50-50 रुपए में हमको ये रिक्शा मिल गई है और अब जा रहे हैं हम हरकी पौड़ी। क्या नाम है भैया जी आपका? मनीष। मनीष, मनीष भाई यहीं से हम रिक्शा लेकर जा रहे हैं हरकी पौड़ी और सिर्फ 50 रुपए में छोड़ रहे हैं भैया। और क्या करते हो? बस रिक्शा ही चलाते हो और गुटके बहुत खाते हो। ई रिक्शा वाला अपन को रिक्शा स्टैंड तक छोड़ के गया और यहाँ से आगे कुछ 20-50 मीटर चलने का है, तो वहाँ पे तो अपन को चलना ही पड़ेगा। और चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अपने दादी जी को। तो आज क्या है गंगा स्नान स्पेशल? आज है अमावस्या और ऐसा कहते हैं कि श्रावण में अमावस्या को यहाँ पे गंगा स्नान करने आना चाहिए। तो अपन भी पहुँच चुके हैं। क्या पुण्य मिलता है? पुण्य मिलता है नहाने पर। तो आ गए सिरोही से और जा रहे हैं अब नहाने के लिए। बाकी कुछ? बाकी बस हमारा पोता साथ में है इसलिए हमें आनंद आ रहा है। हमारा हर तरह से ध्यान रख रहा है, सब सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं ब्रह्मकुंड हरकी पैड़ी और यहां पर होगा अभी हमारा गंगा स्नान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। तो गाइज ये है हरकी पौड़ी हरिद्वार और इस समय देख लो कितने लोग नहा रहे हैं और उस साइड काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अपन आए एकदम से थोड़ी सी खाली जगह देखकर और यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। ये पता नहीं क्या फेंके जा रहे हैं अंदर। और भाई यहाँ का सीन देखकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पानी एकदम से ठंडा ठंडा कूल कूल हो चुका है। पानी थोड़ा सा गंदा है क्योंकि उत्तराखंड में बारिश खूब ज़्यादा है केदारनाथ साइड और बद्रीनाथ साइड, इसलिए पानी थोड़ा सा गंदा हो चुका है। बाकी यहाँ का सीन देख लो भाई, खतरनाक जबरदस्त मजा आ रहा है। फाइनली गाइज गंगा स्नान शुरू हो चुका है अपना। हर हर गंगे। भाई साहब आज अमावस्या का दिन है और यहाँ पर भीड़ मेरे को काफी ज्यादा दिख रही है। बिकॉज मैं लास्ट टाइम आया था 1.5 महीने पहले तो इतनी कुछ ज्यादा खास लगी नहीं, वो गंगा आरती के टाइम में काफी ज्यादा लगी थी। लेकिन अभी तो देखो भाई आज तो मतलब बवाल है बवाल। तो गाइस अभी अपनी बारी आ गई है नहलाने के लिए। Thank you.
तो फाइनली गाइज अपना गंगा स्नान भी हो चुका है। दादा ने मेरे को नहलाया, दादी ने भी नहलाया, आपने देखा होगा। लेकिन मैंने जो उनको नहलाया उसका वीडियो लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं था, और यहाँ पर मैं ट्रस्ट किसी पे नहीं कर रहा था। ये मैंने बहुत ही बढ़िया किया, क्योंकि जैसे ही हम नहा के बाहर निकले और हम रेडी होकर मंदिर की ओर जा ही रहे थे और मेरे सैंडल गायब हो गए, मेरे सैंडल मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए मैंने मेरा फ़ोन किसी को नहीं दिया उस वीडियो के चक्कर में। तो अब चलते हैं फाइनली दर्शन के लिए। वैसे यहाँ पर दूसरी बार नहाने का भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया है, और अब फाइनली चलते हैं दर्शन। और ये है मुख्य गंगा मैया जी का मंदिर, और ये बैठे हैं गंगा मैया जी। जय गंगा मैया। यहाँ पर है केदारनाथ जी का मंदिर, और यहाँ पर है प्राचीन बद्री नारायण जी का मंदिर। और अपन देखो इस क्राउड में भी घूम रहे हैं, और दोपहर है इसकी वजह से ज़्यादा क्राउड मुझे लग नहीं रहा है। वैसे दर्शन करने के बाद अब हो गया है हमारा लंच टाइम। यहाँ पर है जैन थाली, यहाँ पर जैन थाली बिल्कुल भी नहीं है, और हमने सेलेक्ट करी है ये 150 वाली थाली, जिसमें दाल फ्राई, पनीर वेज, जीरा राइस, सलाद, रायता, पापड़, रोटी, आइसक्रीम और ये सब कुछ है। और खाना देखने में काफ़ी ज़्यादा गर्म और अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम के हो चुके हैं 6:30, और इस वक्त हम जा रहे हैं गंगा आरती के लिए। फाइनली गंगा आरती के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है गंगा घाट, तो वहाँ पर जाके देखेंगे कि गंगा आरती कैसी होती है, और मैं देखूँगा सेकेंड टाइम। वैसे ये लोग भी सेकेंड टाइम ही देखेंगे, ये आए थे 2004 में, उसके बाद आज आनंद लेंगे। यहाँ पर हो रही है गंगा जी की आरती, और भाई क्राउड देख लो। ये देखो ये जो आ रही है ये है आरतिया, और इतनी भीड़ है इसलिए हम वहाँ तो नहीं जा सके, इसलिए यहीं से इन दोनों ने, दादा दादी ने दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि इनके लिए वहाँ तक जाना और चलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और भाई पानी का बहाव अभी रात में थोड़ा थोड़ा सा बढ़ गया है। बाकी क्राउड देख लो भाई, इस क्राउड को देखने का मज़ा ही कुछ अलग है, और यहाँ की आरती तो लाजवाब होती है, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, तो आरती देख के आ गए हैं, और इस वक्त हमें मिली है साइकिल वाली रिक्शा जो हमें छोड़ेगी ई रिक्शा तक। यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टैंड बने हुए हैं, तो आरती साइड से हमें ये वाली रिक्शा ही लेनी पड़ेगी, फिर हम जाएंगे रिक्शा स्टैंड तक, वहाँ से रिक्शा लेके फिर जाएंगे हम होटल तक। तो बस चल रहे हैं। फिर गंगा आरती देखने के बाद हम होटल पहुंच गए थे, जिसका मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा थक गया था और मैं लग गया था एडिटिंग में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।